सारे भाण भाई राम राम भाई। मैं थारा भाई नरसिंह प्रजापत सेवानी थम देख आ रहे हो एनपीएस न्यूज भाई। एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज, कौन मनेगा सरपंच पार्षद कार्यक्रम के तहत। आज अपने साथ मौजूद है भाई विकास जोगी। मैं कैमरा मैन से कहूंगा एक बार पूरी तस्वीर दिखा दे भाई। आप देख सकते हो जिला परिषद के वार्ड नंबर 21 से उम्मीदवार है जिला परिषद के। इनके विचार जानेंगे भाई, विकास कार्यों के लेकर क्या इनकी भावना है, क्या ये वार्ड विकास कार्य करवाएंगे। तो भाई इस वीडियो को ज्यादा शेयर करियो, क्योंकि शिवानी क्षेत्र से मतलब पूरे शिवानी क्षेत्र से अपने साथ यूट्यूब पर फेसबुक पर जो है वो दर्शक जुड़े हुए हैं। तो सभी से मैं अनुरोध करूंगा इस वीडियो को हर ग्रुप में डालियो, हर भाइयों तक पहुंचाइयो, ताकि इनके विचारों से, विकास जी के विचारों से हर भाई प्रेरित हो और प्रेरणा ले सके और वार्ड के लोगों को पता लगे कि क्या इनके विचार हैं वार्ड को लेकर के, विकास कार्यों को लेकर के। तो भाई विकास जी होगी अपने साथ मौजूद है। राम राम जी। राम राम भाई साहब। एक बार अपना पूरा नाम पता हमारे दर्शकों को बता दें। मेरा नाम विकास जोगी है, गाँव मेरा मोरका, 21 नंबर वार्ड से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो जी आप 21 नंबर वार्ड के जिला पार्षद के उम्मीदवार हो, आपके मन में क्या उमंग जगी कि आपने उस चुनाव मैदान में आना चाहिए जी? नहीं, पहले तो मैं दर्शक को जो भी अपने लाइव जो चल रहे हैं आपके जो, उनको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। रामनवमी आज है और सभी को सुख शांति रहे और ऐसे ही खुशियाँ बढ़ती रहे। और मेरा मानना ये है कि मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट यूनियन का भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ अभी मैं, और वहाँ 20 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में भी मैं अच्छा काम करूँ, जो लोग मेरे को इसको जिला परिषद में भारी बहुमत से जिताएं और मन की सेवा करता रहूं मैं। तो जी विकास जी, अगर वार्ड के लोग आपको वोट दें तो वो आपको वोट क्यों दे रहे हैं, क्या ऐसा कारण रहेगा जिससे मतलब आपको वोट दें, आप क्या विकास कार्य कराओगे वार्ड में? नहीं, हमारा मेन उद्देश्य तो क्या है, एजुकेशन का और अपना खेल कूद का, बच्चों का, इनका रहेगा कि हर गांव में जो ग्राउंड वगैरह है, खेलने की जो चीजें हैं, उनकी मूलभूत सुविधा मिल नहीं पाती। और बच्चे बहुत, हमारे पता है गाँव, हर गाँव में ऐसे ऐसे अच्छे लड़के हैं जो इनको सुविधा मिले तो आगे जाके वो नेशनल और इंटरनेशनल भी खेल सकते हैं। तो उनका वो जो उसकी मूलभूत चीजें हैं उनकी वो सुविधा प्रदान करेंगे हम। तो भाई बहुत ही अच्छे विचार हैं विकास जी जोगी के। इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करियो, हर ग्रुप में डालियो, ताकि इनके विचारों से प्रेरित हो सके, क्योंकि युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा काम मतलब इन्होंने बताया है कि जो खेल कूद का जो कार्य रहेगा उनको हम प्राथमिकता देंगे। तो कहीं ना कहीं जी आज बाढ़ के हर गांव में हम दौरा करते हैं, देखते हैं शिक्षा और जो स्वास्थ्य है उसका सतर दिनों दिन गिरता जा रहा है, उस बारे में आप क्या सख्त कदम उठाएंगे? नहीं, अभी कुछ तो जो गवर्नमेंट वगैरह सरकारी स्कूलों को क्या बंद कर रही है उसके बारे में भी कदम उठाएंगे। जो हमारे वार्ड 21 एक परिवार की तरह है मेरा, और इसमें जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ उनके कमरों की या उनकी खेल कूद की या जो टीचर वगैरह है उनकी सब देखरेख के लिए अगर एक बार मेरे को मौका देंगे सेवा का और मेरे को इस 21 नंबर वार्ड से विजय बनाएंगे तो पूरी रूपरेखा और दिशा और पूरी चेंज कर देंगे हम शिक्षा के। बहुत अच्छे जी, आपका चुनाव निशान क्या है हमारे दर्शकों? चुनाव निशान होगा 21 नंबर वार्ड से हूँ मैं, और मेरा जो चुनाव निशान है वो हवाई जहाज का है, जो सरिता देवी है जी। और इसको मैं सब दर्शकों को बोलता हूँ कि भारी से भारी बहुमत से इनको जिताएं और एक बार सेवा का मौका दें हमारे को। तो भाई जो फेस चेहर हैं, जो विकास जी जोगी हैं और इनकी धर्मपत्नी सरिता देवी हैं, वो फिलहाल चुनाव मैदान में हैं। आप देख सकते हो तस्वीरों के अंदर जिला परिषद उम्मीदवार वार्ड नंबर 21 से। तो भाई बहुत ही अच्छे विचार हैं इनके, कर्मठ मेहनती और शिक्षित और युवा उम्मीदवार हैं। तो वीडियो के माध्यम से हमारी भी अपील रहेगी कि कृपा ऐसे युवाओं की, ऐसे देशभक्तों की, ऐसे समाज सेवकों की आज के दिन हर वार्ड को, हर ग्राम को जरूरत है, आवश्यकता है। तो कुछ इनके समर्थक अपने साथ मौजूद हैं, इनसे आप बातचीत कराएंगे। एक अंकल जी अपने साथ मौजूद है। राम राम अंकल जी। राम राम जी। तो जी सरिता देवी को जो है वो 21 नंबर वार्ड जिला परिषद की उम्मीदवार घोषित कर दी गई है। आदमी है बढ़िया, एक नंबर के आदमी। क्या आपको लगता है कि अगर ये पार्षद चुन के आते हैं वार्ड से तो ये विकास कार्य करा पाएंगे? बिल्कुल कराएंगे। ऐसा तो नहीं है कि विकास जी आपके साथ है तो आप किसी दबाव में आ गए? नहीं नहीं नहीं, कोई दबाव नहीं है, बढ़िया काम कराएंगे, शरीफ बंदे। ये ग्रामीणों के विचार थे, इनके समर्थकों के विचार थे। राम राम भाई साहब, क्या नाम है? अमित कुमार। अमित कुमार, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सरिता देवी है जो विकास जी जोगी है, अगर ये पार्षद चुनकर आते तो वार्ड का विकास करा पाएंगे? हाँ जी, हम कह सकते हैं कि ये अगर चुन के आएंगे तो ये जरूर विकास कराएंगे। धर्मेंद्र भाई एक ग्राम मौजूद है, इनसे आप बात कराएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जी वार्ड नंबर 21 के जिला परिषद से जो सरिता देवी है उन्होंने अपनी उम्मीदवारी जताई है, ताल ठोक चुकी है चुनाव मैदान में, इस बारे में लेकर आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहोगे? ये सबसे बढ़िया कर्मठ मेहनती ईमानदार व्यक्ति है,
और मैं 15-20 साल से जानता हूँ। ये दिल्ली के ट्रांसपोर्ट के प्रदेश अध्यक्ष भी है, जो कोरोना काल के अंदर जो लोगों को जो ड्राइवर जो एक्सपायर हुए उसको भी पैसे दिए थे, और जो अभी टैक्स का चला था वो टैक्स माफी में बहुत से वो टैक्स माफ करवाए थे, जो 25-30 हज़ार की प्लेंटी थी वो 5,000 रुपए में किया था। ठीक है, ये भिवानी समाज के पूरे हल्के के जोगी समाज के अध्यक्ष भी है, जो पूरे समाज का नेतृत्व भी करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, पूरे वार्ड में पूरे ग्राम में सभी मतलब वीडियो को आगे जाके शेयर कर देना। तो भाई क्या की देर कर दो वीडियो ने शेयर, अगली वीडियो मिलांगे फिर। एनपीएस न्यूज के लिए शिवानी मंडी से कैमरा सतीश प्रजापत की रिपोर्ट।